नमस्कार, क्या आप भी गले में खुश्की, मुंह के बार बार सूखने की समस्या से परेशान हैं? मुंह बार बार सूखता है क्योंकि आपको मुंह से सांस भरनी पड़ती है। और इसका क्या मतलब है कि अगर आपकी नाक में कहीं कोई चौकेज है, नाक में कहीं कोई ब्लॉकेज है, तो मजबूरन आपको सांस मुंह से भरनी पड़ेगी। और अगर आप मुंह से सांस भर रहे हैं तो डेफिनेटली आपका मुंह भी सूखेगा, गले में खुश्की भी रहेगी, और गले में धीरे धीरे करके चींटी जैसा काटना, या आपको ऐसा लगेगा जैसे कांटे जैसे चुभते रहे हैं। ये अगर आपको समस्या हो रही है तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आज हम इस वीडियो में पांच ऐसे उपाय बताने वाले हैं जिन उपायों को अगर आप फॉलो करेंगे तो आपकी ये गले की खुश्की की समस्या, गले में बार बार कांटे जैसे काटने का आभास जो आपको हो रहा है, इस समस्या में आपको बहुत अच्छा आराम मिलना चालू हो जाएगा और मुंह सूखने की समस्या से भी आपको पूरे तरीके से निजात मिल जाएगी। सबसे पहला, आप इस बात पर फोकस करें कि जैसे गले में खुश्की, अगर गले में खुश्की आ रही है तो डेफिनेटली आप क्यों आ रही है, क्योंकि मुंह से आप श्वास भर रहे हैं, एक कारण तो यह होता है। दूसरा एक कारण होता है कि आपको अगर मान लो जुकाम हुआ है, जुकाम के चक्कर में क्या होता है, नाक बंद हो जाती है, और नाक बंद होती है तो आप मुंह से सांस भर रहे हैं। तो मुंह से अगर सांस भरेंगे तो मुंह का सूखना और गले में खुश्की, ये दोनों चीजें आना चालू हो जाती हैं। इस कंडीशन को अगर आपको पूरे तरीके से ठीक करना है तो ये बहुत आवश्यक है कि नाक किसी भी वजह से बंद हुई हो, आपको जुकाम हो रहा है, आपको साइनस की प्रॉब्लम है, या फिर आपके नेजल पॉलिप्स बड़े हुए हैं, एडेनॉइड्स हैं नेजल एरिया में, ऐसी सारी कंडीशंस में आपको नाक बंद होता है, और नाक के बंद होने की वजह से मजबूरन हमको मुंह से श्वास भरना पड़ता है। और अगर हमने मुंह से श्वास भरना चालू किया तो ये सारी चीजें आपको आना चालू हो जाती हैं। अब सबसे पहले नंबर पर इस समस्या का उपचार करने के लिए आप जो कारण है उस कारण को खत्म करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले नाक का बंद होना। अब नाक के बंद होने का कारण मान लो साइनसाइटिस है, या नेजल पॉलिप्स है, या नेजल एरिया में एडिनोइड्स बने हुए हैं, ऐसी कंडीशन में आपको नाक का हाइजीन मेंटेन करना पड़ेगा, नेजल क्लींजिंग करनी पड़ेगी। और नेजल क्लींजिंग के लिए सबसे पहली चीज जो होती है वो है जल नैति। जल नैति का मतलब होता है पानी से आपको अपनी नाक की सफाई करनी है। अब पानी से नाक की सफाई करने की क्रिया जो है, प्रक्रिया जो है, नैति में तीन प्रकार की नैति होती है, जल नैति, दूसरा जिसको रबर नैति या सूत्र नैति बोला जाता है, और तीसरा तेल नैति या घृत नैति। तो तेल नैति या घृत नैति, जिसको आयुर्वेद के पंचकर्म में नस्य के नाम से जाना जाता है, यहां इसको हम बेसिकली नैति में ही कंसिडर करते हैं। सठ कर्म जो योग के पहले की क्रियाएं, शुद्धि कर्म जिसको बोला जाता है। तो आप पानी से, गुनगुना पानी होगा उसमें थोड़ा सा नमक डाल करके अगर आप नाक की सफाई कर लेते हैं, नाक की धुलाई कर लेते हैं। नैति की प्रक्रिया कैसे है, कैसे इसको कर सकते हैं, बहुत इजी सा प्रोसेस है। लोगों को लगता जरूर है कि पानी अगर इधर से डालेंगे, इस नाक से अगर नहीं निकला तो सिर में चढ़ जाएगा या इधर उधर कहीं चला जाएगा तो कैसे होगा। 99% ये पानी कहीं नहीं जाता। अगर आप यहां से डालते हैं तो ये पूरा पैसेज बना हुआ है, यहां से निकल जाएगा, या फिर वो नेजो फेरिंग से होते हुए, ओरो फेरिंग से होते हुए मुंह से निकल के बाहर आ जाएगा। और बाय चांस अगर आपके नाक में बिल्कुल ही चौकेज है इधर की तरफ, इधर से आप पानी डाल रहे हैं और इधर नाक बिल्कुल बंद है, तो वो पानी ज्यादा से ज्यादा साइनस में रुक जाता है, साइनस में चला जाता है, वो साइनसाइटिस कराने का काम कर सकता है। तो उसके लिए क्या करना है, आपको पेट के बल थोड़ी देर लेट जाना है, गर्दन को बिल्कुल इस तरीके से, नाक को नीचे करके पानी धीरे धीरे करके साइनस से ड्रेन होना चालू हो जाता है। तो एक सबसे पहली प्रक्रिया तो है जल नैति। जल नैति करने के बाद आप अगर जल नैति जैसे आपको समझ में नहीं आया कि कैसे करनी है, तो जल नैति बाय डॉक्टर रमाकांत शर्मा आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे, पूरा वीडियो है, इसका ट्यूटोरियल वीडियो भी है और प्रैक्टिकल वीडियो भी है, आप अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि कैसे इस जल नैति को करना है। दूसरे नंबर पर आप जो दूसरी क्रिया है, अभी हमने जिसको बताया, जिसको तेल नैति या घृत नैति के नाम से जाना जाता है,
आयुर्वेद में इसको नस्य कहा जाता है। नस्य का मतलब नाक में गाय का घी। इसको दिन में कम से कम 2 से 3 बार डालना है। आयुर्वेद में प्रतिमर्श नस्य जो है कहा जाता है कि जो क्लेविकल्स हैं, यहां से ऊपर की जो भी बीमारियां हैं, यहां से ऊपर के जितने भी ऑर्गन हैं और उन ऑर्गन से रिलेटेड जितनी भी बीमारियां हैं, उन सारी बीमारियों में ये नस्य जो है ये सबसे ज्यादा काम करता है। ऊर्ध्व जत्रु विकारेषु, ऊर्ध्व जत्रु मतलब यहां से ऊपर के, जत्रु मतलब ये हड्डी, ऊर्ध्व जत्रु विकारेषु विशेषान नस्य पश्येत। नस्य इन सारे के सारे रोगों में, विकारों में विशेष उपचार का काम करता है। तो आप दूसरे नंबर पर नस्य करेंगे। नस्य मतलब नाक में गाय का घी। अगर गाय का घी नहीं मिल रहा है तो बादाम रोगन तेल का उपयोग कर सकते हैं, बहुत उपयोगी इलाज माना जाएगा इस केस में। इसके अलावा अब तीसरी जो चीज है वो है आप ऑयल पुलिंग करिए। ऑयल पुलिंग क्या है? ऑयल पुलिंग से आपकी ओरल कैविटी की ड्राइनेस जो है वो कम होना चालू हो जाएगी। अब ओरल कैविटी की ड्राइनेस का मतलब क्या होता है? मुंह जो है वो जब सूखता है, मुंह बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे चिड़चिड़ा सा हो रहा है, अंदर से सूख रहा है, आपको बार बार पानी पीने की आवश्यकता होती है, क्योंकि आपकी ओरल कैविटी में जैसे ही हवा जाती है, हवा उसको मुंह को सुखाने का काम करती है। सामान्य तौर पर हवा अंदर ले जाने के लिए नाक बनाई है ईश्वर ने। जब नाक से पूरे तरीके से हवा अंदर नहीं जा रही होती है, चूंकि नाक में कहीं कोई ब्लॉकेज है, इसकी वजह से मुंह खुलता है और मुंह से सांस भरते हैं, इस वजह से मुंह सूख रहा होता है। तो मुंह के सूखने को पूरे तरीके से खत्म करने के लिए ऑयल पुलिंग का प्रोसेस है। ऑयल पुलिंग में आप 1 चम्मच सरसों का या नारियल का तेल मुंह में भर के जोर से मुंह में चलाते हो। इतना जोर से मुंह में चलाएंगे कि आपका पूरा का पूरा ओरल कैविटी का हिस्सा जो है अच्छे तरीके से ऑयलिंग हो जाए पूरे हिस्से में, और पूरे ओरल कैविटी का अच्छे तरीके से हाइजीन मेंटेन हो जाए, जिसमें आगे की एंटीरियर ओरल कैविटी और पोस्टीरियर ओरल कैविटी, पूरा पीछे का हिस्सा भी मुंह का, पूरे तरीके से जीभ का पिछला हिस्सा, गले का हिस्सा जो है ये अच्छे तरीके से इसमें ऑयलिंग हो जाए और सफाई अच्छे तरीके से हो जाए। इस तरीके से आप ऑयल पुलिंग करेंगे। ऑयल पुलिंग अगर समझ में नहीं आए तो ऑयल पुलिंग बाय डॉक्टर रमाकांत शर्मा पूरा वीडियो है, डिटेल में आप उसको समझ सकते हैं किस तरीके से किया जाता है। तो ये ऑयल पुलिंग हो जाएगी। चौथी चीज जो है वो है आप सादे पानी से गरारे करेंगे। सादे पानी से गरारे। अब ये गरारे जो है ये आपको सादे पानी से करना है, ये ध्यान रखना है। सादे पानी को मुंह में भर के और अच्छे तरीके से पूरी ओरल कैविटी को अच्छे तरीके से साफ भी करना है, और वो गले तक के हिस्से की धुलाई सफाई और वहां पर नमी पहुंचाने का काम करने के लिए आप सादे पानी से गरारे दिन में कम से कम 2 बार और अगर संभव हो जाए तो 3 बार तो करना ही करना है। कम से कम 2 बार तो करना ही है, अगर पॉसिबल हो जाए तो 3 बार कर लेंगे। बहुत उपयोगी इलाज रहेगा ये। और इसके बाद अब बारी आती है कि गले में ज्यादा ही खुश्की है आपके, तो इस तरफ गले पर एक गीला कपड़ा, पहले पतला सा गीला कपड़ा जैसे साड़ी की फॉल आती है ना, वो इस तरीके से ऐसे लपेटी और यहां तक ले आए, एक लपेट बांधा, और ऊपर से आप कोई ऊनी कपड़ा लपेट दीजिए, जैसे ऊनी मफलर टाइप का होता है, वो लपेट के छोड़ दीजिए। कम से कम 20 से 30 मिनट के लिए ये लपेट होगा। इसको थ्रोट पैक बोला जाता है। ये बहुत अच्छे तरीके से आपकी जो गले की खराश है या फिर गले में जो खुश्की है इसमें बहुत अच्छा काम करेगा। इसको नियमित अगर अभ्यास पर लिया जाए तो 5 से 7 दिन अगर अभ्यास में लेंगे आप इसको, गले की खुश्की पूरे तरीके से 5 से 7 दिन में ही खत्म होना चालू हो जाएगी। और ये चीजें आप फिर रेगुलर रूटीन में रख लीजिए। इनको अगर आप रूटीन में रखेंगे तो धीरे धीरे करके लोकली जो गले में समस्या आ रही है वो भी कम हो जाएगी, और नाक आप चूंकि खोलना चालू कर देंगे, नाक की सफाई रहना चालू हो जाएगी, तो फिर जो नाक के बंद होने की वजह से, मुंह के खोलने की वजह से मुंह में सूखापन, मुंह में रूखापन या फिर गले में खुश्की आ रही थी, वो परमानेंटली धीरे धीरे करके ठीक होना चालू हो जाएगी। ये बहुत जरूरी होता है। इस प्रोसेस को करना आपको मजबूरी में, अगर आपको समस्या लग रही है तो आप इसको रेगुलर रूटीन में डाल दो। आप अगर इसको करना चालू करेंगे तो आप देखेंगे धीरे 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 करके आपके मुंह की जो खुलने की समस्या थी, मुंह से जो श्वास भरते हैं आप,
वो परमानेंटली खत्म हो जाएगी और धीरे धीरे करके आप नाक से श्वास भरना और छोड़ना चालू कर देंगे, जो बाकी पूरे शरीर के स्वास्थ्य के लिए भी बहुत ज्यादा लाभकारी क्रिया मानी जाती है। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आएगा। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाएं। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।